जोहार दोस्तों, मैं सावित्री। राम राम जी, मैं गणेश जी। राम राम। और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज वीडियो बनाने का कारण यह है कि आज मेरी मायके में जो इतना दुखद घटना जो हुआ, जो अभी जो हमारे घर की सिचुएशन है, सब बहुत दुखी है। और एक मैं अभागन बहन यहाँ बैठी हुई हूँ, चाह के भी नहीं जा सकती। आज भाई का जो श्राद्ध, वो श्राद्ध है, और उनके जो आत्मा की शांति के लिए किया जाता है वो सब कुछ कर रहे हैं, पापा भाई पूरे परिवार मिलके, और मैं यहाँ हूँ। मैं यहीं से प्रे कर रही हूँ कि भाई तू जहाँ भी है, जैसा भी है, जहाँ भी गया है, भगवान तुम्हारे साथ है, हम सब तुम्हारे साथ है। और सब कोई, यहाँ के भी लोग और वहाँ के भी लोग, सब बोल रहे हैं कि जल्दी तुम्हारे भाई वापस आएंगे। मुझे नहीं पता मेरे भाई वापस आएंगे या मेरी माँ वापस आएगी। अभी हमारे गणेश जी तरबूज ला दिए मुझे खाने के लिए, और मेरे भाई को तरबूज बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। माँ हमेशा 3 केजी, 2 केजी, भाई माँ पापा जो भी लाते थे तो उनको आधा हम लोग पूरा दे देते थे, नहीं देते तो वो छीन के ले लेता था। सबसे छोटा था, बहुत लाडला था ना, तो दे भी देते थे, कोई भी खाने का सामान हो तो उसको आधा चाहिए, थोड़ा नहीं चाहिए, दे भी देते थे, और बहुत प्यार करते थे हम लोग। लेकिन बोलते हैं जिसको ज़्यादा प्यार मिलता, जिसको ज़्यादा प्यार करते हैं ना, वही दूर चला जाता है। मैं बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। आज सच में पापा अकेले हो गए हैं, और भाई भी, उसकी ब्लॉग से ही पता चल रहा है। छोटा सा परिवार है हमारा, जिसमें हमारे पूरे परिवार आज बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। मैं जाके भी जा नहीं सकती, और जब भी भाई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो या यूट्यूब हो, मैं सबसे पहले सर्च करके मैं ही देख रही हूँ क्या अभी क्या काम चल रहा है, अभी कौन सा कार्यक्रम हो रहा है, अभी सब कैसे हैं। बादल, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपकी छोटी दीदी बहुत मिस कर रही है आपको, हमेशा करती थी, करती है और करती रहेगी। रक्षाबंधन में भाई बोल रहा था कि तुम चले जाओगे तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा। रक्षाबंधन के टाइम मेरे छोटे भाई बोले थे कि तुम चली जाओगी उसके बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा, तो ख्याल रखने वाली अंजलि आई, और वो बहुत अच्छा से उनका ख्याल रखी, बहुत अच्छी बहू है वो। सच में हमें तो गर्व होती है, पहले शायद मैं उनसे, हमारा मनमुटाव था, सबका ही था, लेकिन कहते हैं ना, इंसान को धीरे धीरे सब धीरे धीरे समझ में आता है उनका अहमियत, कि वो क्या है। आज वो हमारे घर के लिए खारा सोना निकली, जो छोटे भाई के लिए दिन रात एक की। शायद ही कोई भाभी ऐसे अपने देवर को अपना भाई समझ के इतना कुछ करेंगे। बस छोटा भाई ने थोड़ा सा हमारा सुना नहीं, हमेशा बोलते थे भाई बस ऐसे करो, ऐसे करो तो ठीक होगा, तो पक्का ठीक होगा मेरे भाई। दोस्तों, आप लोग से मैं नम्र निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के, कि मेरे भाई को आप लोग ढेरों आशीर्वाद दीजिए, छोटे भाई को, कि उनके आत्मा को शांति मिले। और
जो आप लोग बोल रहे हो कि मेरे छोटे भाई वापस आने वाला है, तो फिर आप लोग के स्नेह और प्यार से शायद भगवान भी सुन ले और वो वापस आ जाए। सब कुछ डांसर सनातन के चैनल में देखने को मिल रहा है, एक एक मिनट का क्या हो रहा है क्या नहीं, पापा पे क्या बीत रहे हैं, भाई पे क्या बीत रहा है, सोना हर एक तरह के हर एक मुश्किलों का वो सामना कर रहा है। बहुत अकेला है वो, लेकिन हम चारों बहन उनके साथ है, अंजलि उनके साथ है। ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगी, आज के लिए इतना ही दोस्तों। बस हमारे छोटे भाई के आत्मा की शांति के लिए आप लोग भी प्रे करें और ये भी प्रे करें कि मेरा भाई वापस आ जाए। बाय बाय, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय महाराष्ट्र।